आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। आज सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान अभी भी बहुत परेशान हैं। जो भाव किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा, किसानों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मंडी में ट्रालियों की लाइन लगी है। सांसद ने बताया कि जो हाल पिछले वर्ष टमाटर और दूध का था, वह आज प्याज और लहसुन का है, जो कि आज 1 रुपए और 2 रुपए किलो बिक रहा है और 2-3 महीनों बाद वही 70 से 80 रुपए किलो हो जाएगा। यही हाल सोयाबीन और उड़द का भी हुआ, जो भावांतर के बाद 1800 में बिकी वही आज 3500 रुपए में बिक रहा है। किसान भाइयों का जो हक बनता है वह बीजेपी के पॉकेट में जाता है। किसान देश की नींव सदैव रही है और आज जो किसान प्रताड़ित है, पूरे देश में प्रताड़ित है, एक एक किसान को ना उसके फसल का उत्पादन का दाम मिल रहा है, ना लागत का दाम मिल रहा है। मंडी में जाते हैं तो 500 ट्रॉलियों की लाइन लगी है। जो हाल पिछले वर्ष टमाटर और दूध का था, वही हाल आज प्याज और लहसुन का हो चुका है, 1 रुपया और 2 रुपया पर बिक रहा है। और जब मार्केट में जाओ 3 महीने बाद तो 80 रुपये का दाम आ जाता है। वही सोया और उड़दा के साथ हुआ, 2200 रुपए पे बिका जा रहा था, भावांतर के बाद 1800 पे आया, आज 3500 पे मार्केट में बिक रहा है। तो ये किसानों के साथ छलावा है। किसानों की राशि जो उनका हक बनता है, ये बीजेपी की सरकार अपने पॉकेट में डाल रही है, अपने चहेतों के पॉकेट में डाल रही है, और इसके विरुद्ध हम लोग जमीन ही नहीं है। ये सरासर देश की आम आदमी और आम जनता के विरुद्ध चोरी का प्रकरण है। जिस तरीके से जब यूपीए की सरकार थी, $120 प्रति बैरल तेल का दाम था अंतर्राष्ट्रीय जगत में, फिर भी देश के अंदर आम आदमी के लिए हमने 60 रुपए पर पेट्रोल का दाम रखा था और 55 रुपए डीजल का दाम रखा था। 4 साल के दरमियान वही $120 प्रति बैरल तेल का दाम घट के $35 तक पहुंचा है और अब वापस 75 तक पहुंचा है, लेकिन आज भी 30% यूपीए सरकार के समय से कम दाम है। फिर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज पेट्रोल का दाम मुंबई में 85 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 75 रुपए प्रति लीटर कहां से आ गई? किसको पैसा जा रहा है? 3.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार का मुनाफा हो रहा है, मतलब 10 लाख करोड़ 3 सालों में पैसा ये कहां जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर 9 रुपया होती थी, वो 19 रुपए तक बढ़ा दिया है, मतलब 221% बढ़ोतरी एक्साइज की ड्यूटी में पेट्रोल का। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो होती थी वो 3.70 रुपए होता था, वो आज 15.5 रुपए हो चुका है, मतलब 451% वृद्धि एक्साइज की ड्यूटी में। कहां जा रहा है ये पैसा? क्यों किसानों के लिए, आम जनों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए पेट्रोल डीजल के दाम ये कम क्यों नहीं कर सकते? ये तो कहते थे ना कि हम देश को राइजिंग जीडीपी देंगे, मतलब घरेलू उत्पादन के दर में बढ़ोतरी हम देंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे। इन्होंने जीडीपी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है एक्रोनिम बनाने का, छोटे छोटे शब्दों का, तो जीडीपी का बढ़ोतरी, जीडीपी का मतलब बढ़ता हुआ गैस, बढ़ता हुआ डीजल और बढ़ता हुआ पेट्रोल। आज आरबीएस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया नेत्र एवं कान रोग शिविर। इस शिविर में नेत्र रोग से संबंधित बच्चों की जांच की गई, साथ ही जिन बच्चों के कान में रोगों की समस्या थी उन सभी की जांच की गई। इसमें भोपाल लटेरी से डॉक्टरों की टीम आई थी जिन्होंने बच्चों की जांच की। जांच के उपरांत जिन बच्चों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनका फ्री में ऑपरेशन किया जाएगा।
आईवीएस के कार्यक्रम के अंतर्गत एक कैंप रखा है जिसमें नेत्र रोग से संबंधित बच्चों का चेकअप हो रहा है और जो गांव के लोग के बच्चे हैं उन बच्चों का चेकअप हो रहा है। तो ये आरवीएस के अंतर्गत हम लोगों ने निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसके लिए भोपाल और लटेरी से टीम आई हुई है जो बच्चों का चेकअप करेंगे। इसके बाद इन बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा। जो जिस बीमारी के लिए सिलेक्ट होगा उसके लिए पूरा पैसा आरवीएस के कार्यक्रम से दिया जाएगा। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे रोजगार सहायकों ने आज निकाली रैली। रोजगार सहायकों का कहना है कि वह लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में उन्हें नियमितीकरण की घोषणा करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज इसी कड़ी में प्रदेश भर में चेतावनी रैली निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। की मांग है नियमितीकरण की और अभी उम्मीद लगाए थे सभी रोजगार सहायक 29 की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहानुभूतिपूर्वक फैसला लिया जाएगा लेकिन 29 की कैबिनेट में सभी रोजगार सहायकों को सभी संविदा कर्मचारियों को मायूस किया है। सुना है मंत्रियों ने पक्ष रखा लेकिन सीएम साहब ने नहीं सुनी है। क्या कारण था इस पर हम नहीं जाना चाहते। सिर्फ हम अपने काम के बल पर नियमितीकरण मांग रहे हैं जो कि अभी शासन ने नहीं दिया है। इसी कारण से आक्रोश होकर समस्त प्रदेश में आज चेतावनी रैली निकाली जा रही है। आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर शासन नियमितीकरण का जल्द से जल्द निर्णय नहीं लेता। कहाँ जाएगी ये रैली? ये सदर बाजार ज्येष्ठम चौराहे होते हुए माननीय सीएम साहब के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 293वीं जयंती के उपलक्ष्य में पाल बघेल क्षत्रिय समाज ने विशाल चल समारोह निकाला। इस चल समारोह में समाज के सभी महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकला। क्रांति यात्रा आज गुना पहुंची। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में जागरूकता लाना है, जैसे शिक्षा के मामले में अनिश्चित काल सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों का बचाव करना है और भी भ्रष्टाचार संबंधी मामले हैं। इस यात्रा के माध्यम से स्कूल कॉलेज शिक्षकों को जागरूक नागरिकों को यह समझाया जाता है आगे चलकर मध्य प्रदेश में शिक्षा का कोई भविष्य नहीं बचेगा। साथ ही अगर आगे बढ़ना है या तो सिस्टम से लड़ो या फिर मध्य प्रदेश छोड़ दो। यह यात्रा प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। कम है, बहुत कम है, काफी कम है।
संवाद क्रांति यात्रा जो है वो एक जागरूकता अभियान के तहत है पूरे मध्य प्रदेश की बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक में जिस प्रकार से अनीतिगत निर्णय, जिस प्रकार से शासन द्वारा भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है, तो पूरे मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं स्टूडेंट्स से, टीचरों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, मीडिया के हमारे सभी साथियों से हम संवाद करते हैं, उन्हें संवाद क्रांति के विथ एविडेंस जो पत्रिका है वो देते हैं और उन्हें ये बताने का प्रयास करते हैं कि आने वाला भविष्य जो मध्य प्रदेश की एजुकेशन का है बहुत ही ख़राब है। या तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएँ, लड़ें, या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट को छोड़ दें और अदर स्टेट जो पास में यूपी बिहार जैसे जहाँ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है वहाँ जाके रहने लग जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ से बेहतर वहाँ का है। तो आज उसी के तहत ये हमारा 19वां जिला था गुना, आज गुना में आए हैं। गुना के सारे महाविद्यालयों में हम गए, स्टूडेंट्स से चर्चा करी, हमारे द्वारा टीचरों से चर्चा करी, सभी का अच्छा समर्थन मिला और सभी ने इस संवाद क्रांति एक आंदोलन जो है इस आंदोलन को सहारा है और ये एक सार्थक पहल है। इस पहल में आप और आप जितने हमारे दर्शक, आपके एसआर न्यूज़ के दर्शक और डीजीएनआर के दर्शक हैं, सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि इस चीज़ को आप पॉजिटिव एंगल में लेते हुए, इसको नॉन पॉलिटिकल है ये आंदोलन है, इस आंदोलन को लेते हुए इसका समर्थन करें और चूँकि एजुकेशन जो है वो देश का आधार है, इस आधार को मजबूती प्रदान करें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक बुजुर्ग के द्वारा अपने गले में तस्कीर लटका कर बाइक से पूरे शहर में घूमकर तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। बुजुर्ग की तख्ती पर एक संदेश लिखा था जिसमें तंबाकू से सावधान होने को बोला गया था। जब हमने उनसे पूछा कि आप ये तख्ती लगाकर क्यों घूम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ घटा है अब किसी और के साथ ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये मैं तख्ती लगाकर घूम रहा हूँ। बुजुर्ग ने बताया कि वह पहले तंबाकू का सेवन किया करते थे जिससे कि उनको गले का कैंसर हो गया, जिससे ऑपरेशन के बाद उनका एक तरफ का जबड़ा निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ है वह किसी के और के साथ ना हो, इसलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चाहता हूँ कि आज तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को, निवेदन करूँगा मेरे पे जो गुजरी किसी और पर ना गुजरे। तो ये आप पहले तंबाकू खाते थे क्या? मैं तंबाकू खाता था, तंबाकू खाने से ही मेरे ये कैंसर हुआ, ये मेरा जो जबड़ा कटा हुआ है। तो कितने साल पहले हुआ है? ये मेरे 2011 में ऑपरेट हुआ है। और इसमें आपने कितनी मेहनत की है इसको ख़त्म करने में? मेहनत क्या, मेरा तो बहुत ऊपर मालिक मालिक है, बहुत बुरी हालत थी वो, तो थोड़ा ये है कि लोगों का मेरे को जो गहरी बरात बनाते रहे लोग, दावत करो लोग दावत करो, अन्यथा मेरी स्थिति बिल्कुल जोखिम में थी, करते करते क्या हूँ। इसलिए लोगों से प्रमुख निवेदन है कि आज तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू का दुकान करते हैं, कृपया निवेदन है जो जो आप पे गुजरी है वो किसी और से ना गुजरे, ये मैसेज आप। और ये मैं अब अपने जब तक जिंदा हूँ ये लोगों से निवेदन करता रहूँगा, कहता रहूँगा। इसी क्रम में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया कि किस तरह से तंबाकू से कैंसर होता है। नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं और तंबाकू से ओरल कैंसर होता है, मतलब मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर सिगरेट पीने से होता है, इस सब में तंबाकू रहता है और तंबाकू लोग ना खाएं, इसका सेवन ना करें, इसके लिए विशेष रूप से इसको जागृति करने के लिए नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। इसी क्रम में गायत्री परिवार द्वारा भी तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। जैसा नरेश जी ने पूर्व में बताया, इसका जो इतिहास है, पूर्व में वर्ष 1987 में 15 मई को एक प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के ने रखा था
जो तंबाकू से होने वाले बुराइयां हैं उनका खात्मा कैसे किया जाए। बोल दे एक किलो रख लो, एक किलो को बांट, आओ रख लो, हो गए लो, पन्नी दे दो, पन्नी तो नन्ने जाओ ना बांध दे लाठी में, लाठी बांध दो, ये बटा का आधा है, बटा 40 दे दे, आधी किलो देख ले, आधी किलो को बांट, आओ टमाटर तो चालीस ग्राम जल्दी दे दे, जो आई चिल्ला रही थी कौन की मेरी, चलो क्यों पैसा दे दे, पैसा ले कितने हो भाई, तुम्हारी इच्छा हो तो एक दे जाओ, चल दे जे पकड़ 500 को वापस कर देता वो, अरे दे दिए दे दिए, कम तो नहीं पड़ रहा तो मेरे भैया चलो नहीं आओ और दे जाओ लो, हाल ले तू तो बोल दे ले ले करें ना कैसे करें ना, विश्व तम्बाकू दिवस पर निषेध पर आज शास्त्री पार्क पर गायत्री परिवार और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा एक तम्बाकू निषेध पर विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पन्नालाल साक्य और अतिथि के रूप में आरसी त्यागी एवं न्याय विभाग के पदाधिकारी गण मौजूद रहे और सभी समाज के अध्यक्षों ने तम्बाकू निषेध पर अपने उद्बोधन में कहा कि तम्बाकू विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और भारत के लिए, इसलिए हम लोग सभी से निवेदन करना चाहेंगे गायत्री परिवार की ओर से कि विश्व तम्बाकू दिवस पर सभी आज संकल्प लें ताकि आने वाले समय में अपने समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। साथ ही मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें यह संदेश दिया गया है कि आने वाले समय में तम्बाकू विश्व के लिए खतरा है और भारत के लिए बढ़ रही आबादी के देखते हुए भी आज विश्व में नहीं पूरे भारत में तम्बाकू का निषेध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गायत्री परिवार इसी संदर्भ में कार्य कर रहा है और आने वाले समय में हम इस संकल्प लेते हैं कि विश्व में तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में इसको संपूर्ण रूप से खत्म करके रहें। मकसूदनगढ़ में पाल समाज ने निकाली भव्य रैली, पाल समाज के लोगों ने समाज को किया जागरूक। पाल समाज की रैली मकसूदनगढ़ रेस्ट हाउस से सदर बाजार होते हुए भोपाल रोड स्थित निजी गार्डन में पहुंची। यहां पर पाल समाज के लोगों ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर पाल समाज के सैकड़ों लोगों को जागरूक किया, जिसमें बड़ी संख्या में पाल समाज के लोग उपस्थित रहे। हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उजागर नहीं है, और उजागर नहीं है ना ही कोई उसके नाम को जानता है, ना प्रशासन ना शासन। तो हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं और भी समाज बंधु जिनके पास जिले के और प्रदेश के पद है, उन्होंने हमें जागरूक करा और उनका कहना है कि आप एक भव्य आयोजन करें जिससे कम से कम तहसील में आपकी पहचान बने। तो आज वो ही दिन है जो हम लोग इस कार्यक्रम को इस रैली और जयंती के माध्यम से मना रहे हैं, और इसके द्वारा हम जन जागृति इसको अपन कह सकते हैं कि समाज को जगाना चाहते हैं ताकि समाज जागरूक बने, पढ़ाई लिखाई अच्छी करवा, बच्चे और बच्चियों दोनों पे बिल्कुल बराबर ध्यान दें, बराबर का हिस्सा माने ताकि हमारा समाज थोड़ी उन्नति और विकास की ओर बढ़े। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। अनूप मिश्रा के सामने भिड़े पूर्व मंत्री और नगरपालिका अध्यक्ष पार्टी की मर्यादा को तोड़कर एक दूसरे को विभीषण कहा। अपने अल्प प्रवास पर आए सांसद अनूप मिश्रा के सामने सर्किट हाउस में भिड़े भाजपा के नेता एक दूसरे को बताया विभीषण। किस्सा उस समय हुआ जब अनूप मिश्रा का स्वागत करने पहुंचे पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल और उसी वक्त नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा भी वहां पहुंच गए। इससे दोनों का मुवाद मिश्रा के सामने हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा के दोनों एक दूसरे को पार्टी का विभीषण तक कह दिया। हमने देखा आप सीधे होंगे मिस्टर,
सांसद अनुप मिश्रा पहुंचे गुना, जहां वो आगामी समय में होने जा रही किसान आक्रोश रैली की समीक्षा करने पहुंचे। वहीं किसानों की दशा के ऊपर बोले कि उनकी सरकार में सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ लोग किसानों पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी जबरगढ़ वाकई है, क्या करें। चार साल पूरे होने पे कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ अम्बा में, भेंटो मिला के 17,000 अब तो हम मिलने मिलने आए थे और अब मिलेंगे मिलाएंगे नहीं भोजन करेंगे अपन तो मिलके कहीं जगह कहीं चल रहा है। भाई साहब, कल से किसान आंदोलन है, भाजपा किस तरीके से उसका काउंटर कर सकती है और उसकी क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैंने तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह और आप जानते हैं कि किसानों के कभी 77 में हम लोग मांग करते थे कि और कुछ मिले ना मिले, जो वो उसमें खर्च करता है उतना पैसा मिले। आज की तारीख में विश्वास मान, आप सब जानते हैं कि पिछली बार जो गेहूं बिका उस पर 200 दिया गया, मतलब भूत लक्षी प्रभाव कभी होता नहीं, लेकिन ये किया गया काई के लिए किसान। अभी 265 रुपए प्रति क्विंटल 10 तारीख को सब किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा, प्रति क्विंटल 265। इसके अलावा किसानों की हर संभव सहयोग करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहेगी, चाहे सोसाइटी के माध्यम से हो, बिजली के बिल के लिए हो, प्रत्येक हॉर्स पावर बिजली का बिल तय किया ताकि किसान जितने महीने चलाएगा उस हिसाब से उसको खर्चा आए। किसानों के लिए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। उसके बाद चंद लोग उनको भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो मित्रों, एक बात समझ, यह सरकार जिस दिन से आई है वहाँ भारतीय से सरकार का आना शुरू हुआ और शिवराज जी ने अपने 12-13 साल इस सरकार में, आपको लगता है कि बुजुर्गों को सीधाटन हो सकता था? मैंने उनको कहा है आधुनिक इस कलयुग का श्रवण कुमार, एक श्रवण कुमार की कथाएं हम पढ़ा करते थे बचपन में, लेकिन आज वो काम कर रहे हैं। क्या उसमें किसान नहीं जा रहे, गरीब नहीं जा रहा है, अमीर तो जाएगा ही नहीं, उसी तरह के लोग जा रहे हैं जिनको आवश्यकता थी कि हम उस दिशा में जाएं। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये मसूर है कि मूंग, वो किसानों को आंदोलन करने निकले हैं। अरे यार, सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100-100 छेद, तो ये निष्प्रभावी रहने वाला है? ये सिर्फ नेतागिरी है, ये सब टिकट और अपनी पार्टी को बढ़ाना, झूठी सच्ची बातें कहकर इसको आक्रोशित करने का प्रयत्न है। पूरे मध्य प्रदेश में यह आयोजन असफल होगा। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या घोषणा की है, कांग्रेस अलग घोषणा कर रही है और एक किसान संघ बन गया है, और वो किसान संघ ने किन्ने बनाए आपको पता है, मैं कहना नहीं चाहता। डीसी आना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।